मेरा नाम रितु सोनी है। मैं 64th BPSC में 295 रैंक हासिल की हूँ। मैं रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सफलता की वो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस धरती पर, इस दुनिया में जितने भी जीव एग्जिस्ट करते हैं, सभी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो दिन रात लगे हुए रहते हैं। मैं आपको एक आसान साल मतलब कि एग्जाम्पल देके अगर समझाऊँ तो एक चींटी जो होता है वो एक अनाज का दाना लेके जब दीवार पर चढ़ती है तो अनगिनत बार फिसलती है, लेकिन वो चढ़ना कभी भी नहीं भूलती। वो अपने लक्ष्य को तब तक मतलब प्राप्त करने में लगी रहती है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाता। अनगिनत बार फिसलने के बावजूद भी वो अपने सफलता तक पहुंचती है। ऐसा ही एक एग्जांपल है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति थे। देखिए, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य का निर्धारण होता है वो करना अति आवश्यक है। उससे आप समझ पाते हैं कि हमको क्या हासिल करना है। लक्ष्य की प्राप्ति का तीन ही मूल मंत्र है। वो अगर मूल मंत्र की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो मूल मंत्र होता है वो होता है उत्साह। उस चीज़ की लालसा आपके अंदर होनी चाहिए जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद आता है लगन। उस चीज़ को प्राप्त करने का लगन होना चाहिए, आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। और तीसरा होता है परिश्रम, कठिन परिश्रम। ये सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो ये तीन मूल मंत्र है जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी ही एक कहानी पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड की है। 64 BPSC मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आया, यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, रितु सोनी इनका नाम है, रिश्ते में मुझे बहन लगेगी। और अभी ये राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है। इनका जो रैंक है ये 295 है। तो बड़े गर्व की बात है कि पूर्णिया जिले के एक छोटे से मतलब कि ब्लॉक से मतलब इस तरह का कारनामा करने वाली ये पहली लड़की है। गर्व से सीना चौड़ा होता है जब इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। देखिए, हमारे समाज में भ्रांति कैसी है कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। मेरा इनसे बात हुआ है और WhatsApp पे मैंने एक वीडियो मंगाया है जो कि अभी मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि लड़कियों की सफलता में सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो गार्जियन का होता है। जब तक गार्जियन घर से सपोर्ट नहीं करेंगे बाहर रहने के लिए, तब तक ये मतलब कि सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर जाएंगे तभी ही आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेगी और आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए, घर में रहकर भी तैयारी होता है लेकिन बाहर का माहौल कुछ अलग होता है। वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आपका जो ज्ञान होता है वो विस्तृत हो जाता है बाहर जाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनकी सफलता का श्रेय मैं देना चाहूँगा इनके माता पिता को। तो मतलब इतने दिन घर से बाहर रहने के बावजूद पटना में तकरीबन 5 से 6 साल रही, वहीं से मतलब ग्रेजुएशन की, पीजी की, और वहाँ पे एन कॉलेज में ज्योग्राफी से टॉपर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए, बीपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए और वहीं पे दिल्ली से ही मतलब तैयारी की थी। और ये पहले अटैम्प्ट में भी चयनित हुई थी और इंटरव्यू तक चले गए थे, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये इनका दूसरा अटैम्प्ट है जो कि 295 रैंक है और ये रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप BPSC एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसमें से एक सीट अपना करना चाहते हैं, तो सीने में जो तफिस लगा हुआ है उसे कभी भी बुझने मत देना। वो अगर बुझ गया तो ये सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। आइए देखते हैं जो मैंने WhatsApp पे वीडियो मंगाया है वो क्या कह रही है। मेरा नाम रितु सोनी है। मैं 64th BPSC में 295 रैंक हासिल की हूँ। मैं रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाइयों, गुरुजनों और मित्रों को देना चाहती हूँ। जो साथी तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं बस एक लाइन कहना चाहती हूँ, मेरे अंदर से हो गया सब कुछ रुखसत, बस एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। अपने ईमान को जिंदा रखें, डेडिकेट होकर पढ़ाई करें, पेशेंस रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। तो आप लोगों ने वीडियो देखा और ये हालांकि छोटा वीडियो था, WhatsApp पे मैंने मंगाया था। अब मैं ये अभी तो दिल्ली में, जब आएगी तो तब मैं इनका इंटरव्यू करूंगा और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग यहाँ पे कमेंट पूछ सकते हैं, इसी वीडियो से मैं कमेंट पिक करके वहाँ पर जब इंटरव्यू करूंगा तो वहाँ पर वो सारे कमेंट को मैं उनसे पूछूंगा, आपका नाम भी लूंगा और उसके बाद वो कमेंट भी आपका आंसर सहित वहाँ पर दूंगा। तो आप लोग सभी यहाँ पर जो भी मतलब प्रश्न हो एग्जाम से रिलेटेड, BPSC एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे प्रश्न इंटरव्यू तक जो भी मतलब आपके मन में सवाल हो वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आंसर इसका देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा यही कहने का उद्देश्य है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता में लगे रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए जो खुली आंखों से सपना देखते हैं वही सफलता को प्राप्त करते हैं। बंद आंखों से सपना सब देखता है, बंद आंखों से देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो सपना जो होता है ना सुबह होते तक खत्म हो जाता है। और जो खुली आंखों से सपना देता है, जो सपना वैसा होता है इंसान को सोने ना दे तभी वो सपना पूरा होता है, ठीक है। तो आज ऐसा आपके सामने बहुत ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसे देख कर आप सीख ले सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए जितना सफल इंसान से प्रेरित होना आवश्यक है, उतना ही असफल इंसान से भी सीख लेना आवश्यक होता है। इसका मैं जीता जागता एग्जांपल आपको देता हूँ, अब्राहम लिंकन का। वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उनसे पहले बहुत बार वो चुनाव में, बहुत सारे चुनाव में हार चुके थे। अपनी ज़िंदगी से वो मतलब कि कह सकते हैं पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुके थे, उनका जीने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। आप उसके बारे में जब जीवनी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। वो कंटिन्यू डटे रहे और भारत के, अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
तो सफलता की सीख जो है वो सफल इंसान को देख के भी लेना है, और जो असफल इंसान है वो गलती कहाँ करते हैं उस गलती को हमें नहीं दोहराना है, उस गलती को सीख करके उस गलती को हमें निकाल के फेंकना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सफल इंसान का जो अच्छाई है वो मुझे लेना है, और असफल इंसान का जो बुराई हमने देखा कि वो उस बुराई के कारण असफल हुआ है, उस बुराई को हम अपने अंदर नहीं समेटेंगे, उसको निकाल के फेंक देंगे, तभी आप सफलता के मतलब सीढ़ी पर सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते जाएंगे और एक दिन आएगा जब आप सफल होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो आता है और इसके रिगार्डिंग बीपीएससी एग्जाम जो प्री एग्जाम होता है उससे रिगार्डिंग बहुत सारे स्टडी मटेरियल है जो कि प्री एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, वहाँ से आप इस सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके सारी जानकारी जो मैंने आपको बताया है कि कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसित रहें। धन्यवाद।